दिस इज योर GM दीन। आज मैं आया हूँ तो इस प्लांट के, जिसे कॉक्सकॉम या कलगा बोलते हैं, इसके बहन भाई दोबारा उगे हुए हैं। इसको मैंने बॉटल में शिफ्ट किया था, इसके बहन भाई दोबारा उग पड़े हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले साल इनके जो पेरेंट्स प्लांट्स थे वो यहाँ पे थे, तो उनके जो पोलन्स या सीड यहीं पे गिर गए थे। बेसिकली ये सीजनल प्लांट्स हैं, तो जब सीजन आता है तब ये ग्रो करना शुरू कर देते। अब भी 5 और उगे हुए हैं। 1, 2, 3 और इसको अटैक हो गया लगता है इंसेक्ट्स का। चलें इसको शिफ्ट करेंगे, मे बी ठीक हो जाए। द 5th one। मेरी इनसे हाथ जोड़ के बिनती है, भाई बस कर दो अपना यार, कितना उगोगे। 4 मैंने ये शिफ्ट किए थे, अब 5 और करने हैं, तो चलें गाइस हम अब शिफ्ट करते हैं। और बेचारा भी तो नहीं। ये हैं वो 4 शहजादे जो मैंने लास्ट टाइम शिफ्ट किए थे, अब इनके और बहन भाई दोबारा शिफ्ट करने हैं। घर में जो भी अवेलेबल होती है बोतल प्लास्टिक की, वो मैं यहाँ पे काट के रख देता हूँ, वो मेरे पास अवेलेबल होती हैं। पहले मुझे चाहिए बॉटल्स, तो मैं बॉटल्स लेकर आता हूँ। वैसे मैं पेप्सी का शौकीन ज़्यादा हूँ। और अब मुझे चाहिए सॉइल, बॉटल्स मेरे पास अवेलेबल है, और अब मुझे चाहिए ये, क्योंकि गाइस एक्सपर्ट्स बनने के लिए प्रो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। सॉइल भी आ चुकी है, तो चलें बड़े प्यार के साथ अब शिफ्ट करते हैं अपने बेबीज को। सबसे पहले छोटे प्लांट की बारी है। देखें ऐसे जैसे हमने कोई केक काटा है। लुकिंग गुड ना। अब इसी तरह बाकियों को भी ज़रा कट करते हैं प्यार से साथ। तो इसे कहते हैं परफेक्ट केक। वाओ यार। तो गाइस आपने भी इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ अपने बेबीज को शिफ्ट करना है। सब्र और इस्तकामत का दामन हाथ से नहीं जाने देना। तो चलें अब इनको बॉटल्स में शिफ्ट करते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत खूबसूरत। सबसे पहला काम इसकी जो साइड्स हैं वो बोतल के मुताबिक होनी चाहिए, तभी अंदर एडजस्ट हो पाएगा।
मज़े की बात जो इन पौधों ने मुझे सिखाई वो ये कि पहले तो मैं ये कह रहा था यार ये उग क्यों रहे हैं। जब गर्मियों का सीज़न होता है, काफ़ी टेम्परेचर होता है, तो कोई पौधा ऐसे उगता नहीं। और जब उगने पे आ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ यार ये क्यों उग रहे हैं, मैंने रियलाइज़ ये किया कि बेसिकली हम बहुत नाशुक्र हैं। जब नेमत दी जाती है तो हम नाशुक्री करते हैं, और जब छीन ली जाती है तब ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर ये क्या, शुक्र करना चाहिए कि हमें जो मिल रहा है बेस्ट और अच्छा मिल रहा है, तो शुक्र करेंगे तो ज़्यादा दिया जाएगा, नाशुक्री करेंगे तो जो है वो भी छीन लिया जाएगा। गाइस भला इसी में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें और जो हमारे पास है उसी पर खुश रहें, और जितने भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हमारे पेंडिंग हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, नाजायज़ तवक्कोआत हैं, अगर वो नहीं रखेंगे हमें ज़रूर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आखिर में यही बात कि इनको तो पानी कम लगाना है कि इम्पोर्टेंट बात ये आखिर में इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप अपने प्लांट शिफ्ट करें तो पानी ज़्यादा लगाएं, डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, लेकिन जब वो एडजस्ट हो जाएं तो पानी कम लगाएं। ये मेरा प्लांट इसी वजह से थोड़ा सा कमज़ोरी का शिकार है क्योंकि इस पर पानी ज़्यादा लगा हुआ है। तो कोशिश करें अपने बेबीज़ का अच्छा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। तो कोशिश करें अपने इन छोटे बेबीज़ का अच्छे तरीके से ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।